झोर झोर वेलकम गाइस, आज हम लोग नंबर सिस्टम का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जिसमें बहुत ही मैं आप लोग के लिए एग्जामिनेशन के दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया हूं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कह रहा कि 5 to the power 24 का वर्गमूल है, 5 इसका वर्गमूल निकालना, वर्गमूल मतलब होता है स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब हमको 5 to the power 24 का वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब कि रूट चढ़ाना है इसमें। और जब भी किसी पर रूट चढ़ने का मतलब होता है उसका पावर 1/2, पावर कितना हो जाएगा इसका 1/2, और पावर आपस में क्या में रहता है, गुना में रहता है, तो 2 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 12, यानी उसका वर्गमूल हो जाएगा 5 to the power 12, 5 to the power कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और जो ये 5 to the power 12 हमको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। कह रहा है कि देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको देखिए सॉल्व करने के लिए तो आप लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड फिर करके एक्स के मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपके पास इसके लिए बहुत ही लाजवाब और दूसरा तरीका लेकर आए हैं, करना कुछ नहीं है। देखिए जब भी देखिए कि 23 क्या स्क्वायर यहाँ पर 529 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे ला के स्क्वायर कीजिए 529, और 16 की स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 256, और दोनों को आपस में घटा दीजिए, 9 में से 6 जाएगा 3, 10 12 में से 5 जाएगा 7, 4 में से 2 जाएगा 2, ये आपका 273 हुआ आंसर। आप बेसिक आप बना सकते हैं, हम किसी भी क्वेश्चन को एक बहुत ही आसान तरीका से लेकर यहाँ पर हम तरीका आए हैं जो ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कहता है कि 6 to the power 10, 7 to the power 17, 11 to the power 27 में अभाज्य गुणनखंड, मतलब आपसे प्राइम फैक्टर मांगा है, प्राइम फैक्टर टोटल कितने हैं। तो सबसे पहले कोई भी जो भी डिजिट दिया था उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, हम लोग 6 को 6 में प्राइम नंबर को तोड़िए कितना है, तो 6 में प्राइम नंबर मेरा 2 है और 3 है, 7 को हम प्राइम नंबर में गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ 7 ही रहेगा, 11 का हम प्राइम नंबर में गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ 11 ही रहेगा। तो इसके बाद करना क्या रहता है, जैसे हम लोग गुणनखंडों की संख्या निकालना रहता है, गुणनखंडों की संख्या निकालना होता है, तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पर इसको कितना में तोड़ा गया, तो ये 2 गो आया प्राइम गुणनखंड, ये कितना हुआ 2 गो, 1 अब 1 2, तो यहाँ जितना भी हम लोग को प्राइम फैक्टर मिलता है उसको गिनते हैं 1 अब 1 2, और जितना मिलेगा उसको पावर में गुना कर लेते हैं, तो 2 × 10 कितना हो जाएगा 20, 2 × कितना 10 प्लस ये कितना में 1 में टूटा 7, चूंकि एक ही प्राइम फैक्टर है तो इस 1 और पावर कितना है 17, तो ये हो जाएगा 1 × 17, इसको हम लोग कितना अभाज्य गुणनखंड में तोड़े 11, एक ही में टूट पाया, तो इस 1 है और 1 प्लस 1 × कितना हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 20 + 17 + 27 है, तो यहाँ पर 27, इसको ऐड करेंगे हम लोग तो ये आएगा 64, जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है बी में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि देखिए इसको आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए सवाल को हम लोग यहाँ से बनाना शुरू करेंगे, जैसे सबसे पहले 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, फिर 108 और 13 ऐड होगा तो यह आ जाएगा 121, ये देखिए स्क्वायर रूट 121 का फिर कितना हो जाएगा 11, फिर 11 इसमें ऐड होगा, 11 और 38 कितना होगा 49, 49 का देखिए ई वाला वर्गमूल निकलेगा स्क्वायर रूट, 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 7, जो 7 यहाँ पर आएगा, 57 और 7 कितना हो जाएगा 64, फिर ये वाला वर्गमूल निकलेगा तो 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, इसके बाद हम लोग यहाँ पर 8 जोड़ेंगे, 8 × 8 = 16, और अंत में 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो कुल गिफ्टों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए है कितने, 1 2 3 4 5, 5 मित्र है, और कह रहा है कि प्रत्येक मित्र जो है एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो हम एक चीज यहाँ पर समझने वाली बात है कि चूंकि 5 ही मित्र है
तो कभी भी एक जो एक आदमी जो होगा, एक मित्र जो होगा, उसको कितना गिफ्ट देना है, तो इन चारों को देना है। अपने लिए कभी भी कोई गिफ्ट लेकर नहीं जाता है, ये भी चार गिफ्ट लाएगा अपने को छोड़कर, ये भी चार लाएगा अपन छोड़कर, ये भी चार लाएगा स्वयं को छोड़कर, ये भी चार लाएगा स्वयं को छोड़कर, ये भी चार लाएगा स्वयं को छोड़कर। तो टोटल गिफ्ट हम लोग निकाल सकते हैं, इसको ऐड कर देंगे तो चार पचे कितना हो जाएगा, 20। देखिए हम लोग यहाँ पर उपहारों की संख्या, गिफ्ट मैंने कहा था उपहार, अगर हम लोग को गिफ्ट की संख्या का अगर फॉर्मूला हमको अगर आप चाहें तो याद रखें एन इंटू एन माइनस वन होता है, एन इंटू एन माइनस वन होता है, मतलब जितना लोग रहेंगे उसमें एक कम करके आप गुना कर दीजिए। यहाँ पर पांच लोग हैं, पांच में एक कम करेंगे, पांच हो गए व्यक्ति और एक व्यक्ति उससे एक कम उपहार लाएगा, तो हम लोग चार से गुना कर लेंगे तो पांचों में कितना हो जाएगा, 20। तो कुल उपहारों की संख्या हो जाएगा 20, जो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्टी में पांच मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक पार्टी में पांच मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाई की कुल संख्या बताइए। देखिए हाथ मिलाई की संख्या का भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं डायरेक्ट, हाथ मिलाई की संख्या, तो हाथ मिलाई की संख्या का फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाता है उपहार का आधा, उपहार बटा टू। तो उपहार का फॉर्मूला, गिफ्ट का फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े ऊपर क्वेश्चन में कि एन इंटू एन माइनस वन बटे हो जाएगा टू, तो एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। यहाँ पर एन का मान कितना दिया है, पांच मित्र दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, पांच में से एक कम करेंगे तो चार, और भाग कितना कर लेंगे, दो। उपहार का अगर निकालना रहता, गिफ्ट निकालना रहता, तो हम लोग दो से भाग नहीं देते, लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना, हाथ मिलाई की संख्या, तो दो से भाग देंगे, मतलब गिफ्ट का आधा होता है हैंडशेक, हाथ मिलाई की संख्या, तो हो जाएगा 20, 20 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना, 10। तो हाथ मिलाई की संख्या कितना हो जाएगा, 10, जो ऑप्शन किस में दिख रहा है, डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चिड़िया घर में चूहे कबूतर हैं, यदि सिरों की संख्या 90 तथा पैरों की संख्या इतना है तो कबूतरों की कुल संख्या बताइए। देखिए इस सवाल को आप लोग बेसिक बना सकते हैं, बेसिक बनाने के लिए क्या होगा, सिर कितना है, टोटल जितना सिर होते हैं उतने जानवर होते हैं, तो टोटल तो 90 है, 90 में आपसे कबूतर मांगा है, तो कबूतर हम लोग एक्स मान लीजिए, तो चूहा कितना हो जाएगा, तो चूहा हो जाएगा हमको 90 माइनस एक्स, चूंकि कबूतर के होते हैं दो पैर तो 2x, चूहा को होते हैं चार पैर तो 4 इंटू 90 माइनस एक्स, और ये सब पैर को हम लोग जब जोड़ेंगे दिया हुआ है 224। यहां से हम लोग x के मान आसानी से फाइंड कर सकते हैं, और x के मान यहां से हम लोग निकालने के बाद, एक्स के मान यहां से निकालने के बाद जो हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, लेकिन हम इस तरीका से यहां बताने वाले नहीं है, हम यहां पर इसको दूसरे तरीका से बता रहे हैं। देखिए कबूतर, इस ऐसे प्रश्न में हमेशा एक दो पैर वाला रहता है जानवर और एक चार पैर वाला जानवर रहता है, जब भी आपको दो पैर वाला का संख्या पूछेगा, दो पैर वाला का संख्या पूछेगा, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 2h माइनस l बाई टू, जहां h आपका क्या है, h आपका हेड है और l क्या है, लेग को दर्शाता है, तो जब भी दो पैर वाला आपसे मांगेगा तो 2h माइनस l बाई टू बैठा दीजिए, तो यहां पर हेड कितना है, तो हेड यहां पर टोटल 90 दिया है, तो 2 इंटू 90 माइनस l बाई टू, पैर कितना है 224 बटा 2, गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, माइनस ये 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा आपको 112 बार में, और 180 में से 112 घटाएंगे तो हम लोग को आने वाला 10 में से 2 जाएगा 8 और 7 68। इस प्रकार से हम लोग में कबूतरों की संख्या हो जाएगी 68, जो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए फिर मुर्गी है, और मुर्गी कितना पैर वाला है जानवर, दो पैर वाला है, जब भी देखिए कि दो पैर वाला अगर के आपको मांगेगा संख्या, दो पैर वाला की संख्या मांगेगा, तो आप आसानी से फॉर्मूला लगा देंगे 2h माइनस l बाय 2, मतलब हेड को कर देंगे दुगना और लेग को आधा करके घटा देंगे, आंसर हो जाएगा। यहां पर हेड कितना है 48, तो 48 को दुगना क्या हो जाएगा 96, माइनस लेग कितना है 140 के अधिया कर देंगे,
तो 96 में से हम लोग जैसी करेंगे तो कितना 70, ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 26, जो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। इस प्रकार से इसमें मुर्गी की संख्या कितना हो जाएगा आपका 26। कभी आप लोग सोच रहे हो कि सर चार पैर वाला की संख्या मांगेगा, तो चार पैर वाला नेक्स्ट क्वेश्चन में है, मतलब चार पैर वाला का अगर आपसे चार पैर वाली की संख्या मांगेगा तो चार पैर वाला का संख्या मांगेगा तो उसके लिए फॉर्मूला एच माइनस एल बाई टू कर देंगे। मतलब हम लोग टू को हेड को दो से गुना नहीं करेंगे, डायरेक्ट एच माइनस एल बाई टू कर देंगे तो हम लोग को चार पैर वाला का संख्या निकल जाएगा, और दो पैर वाला का संख्या निकालना है तो टू एच माइनस एल बाई टू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा कि जानवरों के एक समूह में पैरों की संख्या 120 है, जानवरों के एक समूह में पैरों की संख्या 120 है तथा सिरों की संख्या 40 है, यदि इनमें कुछ गाय और मुर्गियां हो तो गाय की संख्या होगी। देखिए सवाल फिर से यहाँ पर बेसिक आपको बना दिए हैं, आप इसको आसानी से बेसिक समझ सकते हैं, पूरा आप एक्स के मान निकाल के आंसर कर लेंगे, लेकिन हम इसको वही डायरेक्ट नियम से इसको हम लोग बना लेते हैं। गायों की संख्या मांगा है तो गायों की संख्या मतलब गाय के पैर का होता है, दो पैर की चार पैर के, चार पैर के मतलब आपसे चार पैर वाला का जनसंख्या मांगा है, चार पैर वाले की क्या मांगा है की संख्या मांगा है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एच माइनस एल बाई टू। तो एच कितना है, हेड कितना दिया हुआ है, हेड आपको दिया हुआ है 40, लेग कितना दिया हुआ 120 और बटे 2 काट देंगे तो 60 आ जाएगा, 40 में से 60 घटेगा तो आएगा माइनस, लेकिन हम लोग कभी भी माइनस चिन्ह को इग्नोर कर देंगे, माइनस से हमको वैल्यू नहीं, हम लोग हमेशा पॉजिटिव की बात करेंगे, यानी आंसर कितना होगा इसका 20, जो ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है ए में, आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 के पावर 50 का आधा क्या होगा। देखिए जितना भी सारा सवाल है क्वेश्चन बैंक से आया हुआ प्रश्न, हम लोग उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जितना भी सवाल है इसमें आप लोग जरा सा भी असावधानी किए तो आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है कि 2 के पावर 50 का आधा क्या होगा, तो 2 के पावर 50 का आधा, आधा काम आधा, आधा मतलब 1/2 होता है, तो 2 के पावर 50 है और काम ने गुना 1/2, तो पावर देखिए एक, जब बेस सेम रहता है तो पावर घट जाता है, तो 2 के पावर 50 में से एक घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 49। जब पावर सेम हो, बेस सेम हो और भागा में हो तो पावर घट जाता है, 50 में से एक घटेगा तो क्या आ जाएगा 49, तो 2 के पावर 49 ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 के 50 का दुगना क्या होगा, मतलब 2 के पावर 50 का मान क्या होगा गुना और दुगुना मतलब दुगुना, इसका पावर एक है, देखिए बेस सेम है, बेस सेम है पावर जुट जाता है, बेस सेम है गुना में रहेगा तो पावर जुट जाएगा, तो 2 के पावर का हो जाएगा 50 प्लस 1, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 51, जो किस में है डी ऑप्शन में है। कह रहा है फिर क्वेश्चन नंबर 12 कि 2 के पावर 20 गुने 5 के पावर 10 गुने 8 के पावर 4 का गुणनखंडों की संख्या बताइए, इसका टोटल अभाज्य गुणनखंड मांगा है। तो देखिए अगर 2 को हम लोग अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 ऑलरेडी खाली 2 में टूटेगा, 5 सिर्फ 5 में, 8 का में टूटेगा, 2 गुने 2 गुने 2 में टूटेगा, तो ये देखिए एक ही हुआ अभाज्य गुणनखंड 2 एक है। अब हम लोग 1 में 20 से गुना करेंगे तो 1 गुने 20 20, 5 एक ही प्राइम फैक्टर है, और जो जितना नंबर जितना रहेगा उसको उसमें हम लोग गुणा कर देंगे तो एक प्राइम फैक्टर है, 1 में 10 से गुना करेंगे 10 होगा, ये 1 2 3 गो 8 को हम लोग 3 प्राइम फैक्टर में हम लोग तोड़ लिए और वही 3 से यहाँ गुना कर देंगे हम तो 4 से क्या हो जाएगा 12, ये जोड़ देंगे हम लोग तो 20 10 30 और 12 कितना हो जाएगा 42, और ये ऑप्शन किस में दिख रहा है ए में दिख रहा है। देखिए फिर हम लोग टाइप थोड़ा सा चेंज किए हैं, ये भी बहुत ही बीबीआई है, अच्छे अच्छे को बनाने में पसीना छूट जाता है, लेकिन सवाल देखिए हम कितना आसान तरीका से आपके पास लेके आए हैं। कह रहा है कि √5 + 2√6, √5 + 2√6 का स्क्वायर रूट, इसका मतलब होता है कि वर्गमूल बताना है। एक खास बात इस प्रश्न में आपको ध्यान देना है, कि जब ये प्लस में रहेगा तो इसका आंसर हमेशा प्लस में होगा, और यहां पर अगर ये माइनस में दिया रहेगा तो इसका आंसर हमेशा माइनस में होगा, प्लस में दिया रहेगा तो प्लस में होगा, माइनस में दिया रहेगा तो हमेशा आंसर माइनस में होगा। यहां पर देखिए कि प्लस में है तो हम लोग क्या करेंगे कि माइनस वाला काट देंगे, मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, अब दो गो प्लस वाला बचा है, या तो ये आंसर होगा या तो फिर ये आंसर होगा। इसके बाद करना क्या है, देखिए इसके बाद क्या करना है कि हम लोग ये
जो जी वैल्यू दिया उसके स्क्वायर करके जोड़ेंगे, वो हमको 5 आ जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ए समझिए कि ए का मान है, ए माने कि बी का मान है। अब हम लोग जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और रूट 2 की स्क्वायर 2, 3 और 2 कितना हो गया 5। अब देखिए हम लोग जो भी वैल्यू दिया था उसके स्क्वायर करके जोड़े, मेरा 5 आ गया, मेरा 5 आ गया। अच्छा इसको अभी हम लोग करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, तो ये नहीं होने वाला है, तो आंसर कौन हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा। तो इस स्थिति में मेरा आंसर कौन हो जाएगा ए होगा। देखिए इसका बनाने का तरीका ऐसे है, इसको आप लोग कीजिएगा तो रूट 3 के स्क्वायर कर सकते हैं, रूट 2 के स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस 2 गुने रूट 3 गुने रूट 2 का रूट अंडर है, तो फिर चला जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर का स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट स्क्वायर को हटा लेगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर को काटेगा तो रूट 3 प्लस रूट 2, तब जाके आपका आंसर आएगा। लेकिन हम लोग उतना करेंगे नहीं, इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि रूट अंडर 8 माइनस 2 रूट 15, तो हम लोग देखेंगे माइनस में, जब ये चीज माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा, प्लस में आने वाला नहीं है, मतलब प्लस इसको काट देंगे, इसको काट देंगे। इसके बाद जो भी वैल्यू दिया है स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने से जिससे हमको 8 मिल जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखिए इसका अगर स्क्वायर करते हैं, जानबूझ के गलती कर रहे हैं, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, और रूट 3 के स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 25 और 3 कितना होगा 28, हमको आना कितना था 8, मतलब ये भी नहीं हुआ, तो हमको यही ऑप्शन बचा, बी आंसर होगा। चेक कर सकते हैं, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 और रूट 3 का स्क्वायर 3, और 5 और 3 कितना होगा 5 प्लस 3 8 हमको मिल गया। आप बनाए भी ये भी सॉल्व भी करेंगे तो आना आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आप लोग से कि रूट 12 प्लस नहीं रूट अंडर 12 प्लस 6 रूट 3 का मैंने इसका हम लोग क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है। कभी कभी 12 प्लस 6 रूट 3 का वर्गमूल बोलेगा, का वर्गमूल लैंग्वेज में बोलेगा, वही आपको यहाँ मैथमेटिकली आपको करनी में दिया हुआ है। अब इसको हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। हम लोग सबसे पहले बात करने वाले ये हैं कि चूंकि देखना है कि ये प्लस में है, जब भी यहाँ पर प्लस देखेंगे इसका आंसर माइनस में नहीं होगा, तो सबसे पहले जो भी ऑप्शन हमको माइनस में दिया रहेगा उसको हम लोग काट लेंगे, मतलब ये आंसर नहीं होगा, ई आंसर नहीं होगा। इसके बाद जो वैल्यू दिया है उसको स्क्वायर करके जोड़ेंगे, जिसको जोड़ने से 12 आ जाएगा आंसर होगा, तो इसको जोड़ेंगे हम लोग 3 तरीके 9, और रूट 3 की स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 3 के स्क्वायर 9 और रूट 3 की स्क्वायर क्या 3, तो 9 और 3 कितना होगा 12, तो हमको तो यही 12 मिल गया, आंसर तो हमको ये हो गया। इधर करके देखिए तो 1 की स्क्वायर 1 रहेगा, रूट 3 की स्क्वायर 3, तो ये 4 हो पा रहा है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर कौन होगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा कि रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 21 का मान बताइए। तो ढंग से आप लोग ये क्वेश्चन समझना है, थोड़ा देखिए हम लोग करने क्या जा रहे हैं। सबसे पहला बात कि यहाँ पर माइनस है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर माइनस है तो आंसर जब भी होगा तो माइनस में होगा, जो भी वैल्यू प्लस में दिया है वो आंसर हम लोग तुरंत काट देंगे। देखिए ये भी आपका प्लस में है ये भी नहीं होगा, ये भी प्लस में है ये भी नहीं होगा, ये भी प्लस में है ये भी नहीं होगा, देखिए माइनस में ये माइनस में, तो आंसर हमको यहाँ से ए निकल गया, आंसर मेरा ए हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा इस सवाल को बेसिक सॉल्व भी करेंगे, आप लोग को दिखाएंगे भी कि अगर इस सवाल को बेसिक बनाना होता तो कैसे बनाते। देखिए सवाल को बेसिक हम बना रहे हैं, इसे यहाँ पर हो जाएगा ये 5 माइनस रूट 21, तो करते क्या है इसमें हम लोग 2 से गुना करते हैं और 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो रूट के अंदर है यही ये 2 बाहर निकलेगा तो 1 बाय रूट 2 बाहर निकल जाएगा, और अंदर में अब कितना हो जाएगा तो अंदर में हो जाएगा 10 माइनस 2 रूट 21। अब तो सवाल आसान हो गया, 1 बाय रूट 2 देखिए सब में है। अब यहां पर हम आपको बताए थे कि इस अब जिसको स्क्वायर करके जोड़ने से 10 आएगा वो आंसर हो जाएगा, तो पहले तो ये माइनस है, प्लस वाला तो होगा नहीं, माइनस वाला होगा, और अब स्क्वायर करके जोड़ लीजिए रूट 7 के स्क्वायर 7 और रूट 3 की स्क्वायर 3, तो 7 और 3 कितना होगा 10, तो अब तो उस तरीके से ही बन गया, तो आप लोग इसको बेसिक भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर मेरा ए हो गया। ये सब जितना प्रश्न बना एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये इस प्रकार से स्टे होम एंड स्टे सेफ, जय हिंद जय भारत।